25 वर्ष की उम्र में बने थे ट्रेजेडी किंग, यूथ ही इनके लव स्टोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार के बारे में। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर रहे अभिनेता दिलीप कुमार जमाने को सुबकता सिसकता छोड़ चले गए हैं। पर्दे पर मोहब्बत के अफसाने दर अफसाने लिखने वाले दिलीप कुमार की हालात पिछले साल से नाजुक चल रही थी। बीते दो महीनों उनका अस्पताल आना जाना भी लगा रहा, लेकिन इस बार वे अस्पताल गए तो फिर कफन ओढ़ कर ही घर लौटे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। जी हाँ, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग माने जाने वाले दिलीप कुमार ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। हालांकि वे पिछले काफ़ी वक्त से बीमार भी चल रहे थे। पिछले एक महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का भी अंत हो गया है। दिलीप कुमार की मोहब्बत के किस्से भी कम लोगों को ही मालूम है। एक ज़माना था जब विलायत से लौटी सायरा बानो से मिलने वह रोज़ रात को चेन्नई से आ जाया करते थे और सुबह की फ़्लाइट पकड़कर फिर शूटिंग करने चले जाते थे। दिलीप कुमार के करियर की बात करूं तो उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा से उन्होंने शुरुआत करी थी, जो सन 1944 में आई थी। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही थी। दिलीप कुमार की शादी 44 साल में अभिनेत्री सायरा बानो से हुई थी। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशेवर में हुआ था। इनकी ज़िंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बात ये है कि इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। पार्टीशन के दौरान ये मुंबई आकर बस गए थे। इनकी सबसे मशहूर फिल्म मुगले आजम, जिसकी मात्र टिकट खरीदने के लिए ही 4 दिनों तक लोग लाइन में लगे थे, उस ज़माने की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने एक साथ 150 सिनेमाघरों में लगने का रिकॉर्ड बनाया था। अब दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर उनकी यादें इस पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।